अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हैं नॉलेज अरीना। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे कंपैरिजन को जहां पर दो फोन हैं डिफरेंट कंपनीज की तरफ लेकिन हैं बिल्कुल सिमिलर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओप्पो के A3s की और यहां पर है मेरे पास रियलमी का C1। और रियलमी ओप्पो का ही सब ब्रांड है और यहां पर हमें रियलमी की तरफ से पाकिस्तान में देखने को मिले दो मॉडल, जिसमें एक था रियलमी 2 प्रो और दूसरा था रियलमी C1। तो यहां पर जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। रियलमी में स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर है, 2GB की रैम है, 16GB इंटरनल स्टोरेज है। और यहां पर इस फोन में आप दो सिम लगा सकते हैं, एक साथ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इस पे बैक पे डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और फ्रंट पे लगाया गया है 5 मेगापिक्सल का एक अदद सेल्फी कैमरा। और यहां पर है ओप्पो का A3s। A3s में भी वही सारी स्पेसिफिकेशन है जो रियलमी C1 में है। A3s में भी स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर है, 2GB की रैम है, 16GB इंटरनल स्टोरेज है। यहां पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। इन दोनों फोन में यहां पर सिंगल LED फ्लैश है और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और तकरीबन डिजाइन बिल्ड जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ये सेम है, यहां की बिल्ड भी सेम है। दोनों फोन प्लास्टिक के बनाए हुए हैं और ये आप देखें यहां पर भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों फोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों फोनों के अंदर डिफरेंस है प्राइस का। A3s मार्केट में 22,000 रुपीज प्राइस टैग के साथ अवेलेबल है, जबकि रियलमी C1 आपको ऑनलाइन बाय करने पर दराज की वेबसाइट पर तकरीबन 18,000 रुपए का मिलेगा। छोटा सा स्पीड टेस्ट करेंगे इन दोनों फोन का और एंड में मैं आपको बताऊंगा अपने ओपिनियन कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है आपके लिए। तो यहां से ब्राइटनेस कर देते हैं फोन की ज्यादा, ताकि आप लोगों को नजर आ सके बिल्कुल क्लियर। तो करते हैं दोनों फोनों का एक छोटा सा स्पीड टेस्ट और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशन है मेरे पास। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फोन को, यहां पर A3s आगे रहा और उसके बाद यहां से करते हैं इसको कैंसिल और यहां पर क्लिक करते हैं मैसेजेस को। ये दोनों तकरीबन सेम टाइम पर ओपन हुए हैं और यहां पर क्लिक करते हैं कैमरा को, ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ओपन हुए हैं। और यहां पर क्लिक करते हैं फाइल मैनेजर को, तकरीबन सेम, क्योंकि सेम सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो एप्लीकेशंस ओपन हो रही हैं वो भी सेम ही हो रही हैं। तो यहां से क्लिक करते हैं फेसबुक को, बिल्कुल 1 सेकंड के फर्क से आगे रहा रियलमी। और यहां पर क्लिक करते हैं ट्विटर को, और यहां पर रियलमी आगे रहा। यहां पर क्लिक करते हैं सोनी डैश को, यहां पर आगे रहा ओप्पो का A3s, रियलमी 1-2 सेकंड के साथ रहा पीछे। और यहां से क्लिक करते हैं पिन आउट को, तकरीबन सेम टाइम पर ये दोनों एप्लीकेशन इस फोन में हुई हैं ओपन। और यहां पर हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है टेंपल रन की, तकरीबन सेम। तो फ्रेंड ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने किया एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, जहां पर हमने देखा कि इन दोनों ही फोन में सारी एप्लीकेशन तकरीबन सेम टाइम पर लोड हुई हैं और 1-2 सेकंड का फर्क रहा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं ओप्पो का A3s तो प्लीज इसको आप बाय ना करें। यहां पर आपको मिलेगी 22,000 रुपए की प्राइस और उन्ही सारी स्पेसिफिकेशन के साथ, बड़ी बैटरी के साथ। यहां पर मौजूद है रियलमी C1 18,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि वो लोग जो डिफरेंस देखना चाहते थे कि ओप्पो A3s और रियलमी C1 में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तकरीबन क्या, सारी की सारी चीजें जो है वो सेम है, बैटरी सेम है, कैमरा सेम है, बिल्ड सेम है, 2 सिम में एक मेमोरी कार्ड आप दोनों फोनों में लगा सकते हैं। और फ्रंट के ऊपर सेम स्क्रीन यहां पर दी गई है और नॉच भी सेम दी गई है। तो A3s लेना बनता नहीं है जब रियलमी C1 मौजूद है। तो फ्रेंड इस वीडियो को करेंगे यहां पर एंड। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर अलॉट फी अमानिल्ला।
अल्लाह हाफिज़।